शुभ अवसर पे आप सभी ने यहाँ पर खड़ा होकर हमारे जो झंडेकार हमारे देश का जो राष्ट्रपिता उसका मान बढ़ाया है उसके धन्यवाद। आगे हम आगे बढ़ते हुए कुछ हम जो शहीद और जो बलिदान हुए हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पर विचार हम प्रकट करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो लोगों ने बहुत कुछ बतला ही दिया और काफ़ी कुछ पता भी होगा, तो मैं बच्चों के लिए सबसे पहले मैं आज आपको बोलना चाहूँगी, उन लोगों के लिए आपको क्लैप करना है जिनके कारण आज हम यहाँ पर है। सबसे पहले हम किनके कारण है? हमारे आर्मी के कारण। तो सबसे पहले उनके लिए क्लैप करिए। के साथ
सामने देखो। ओके सर, थैंक्स सर। सब तो ये सर, चल छोड़ो, आप भी आइए, हाथ में लगाइए। वो नहीं पाया बेचारा, पैसे चला नहीं, पैसे चला। देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। मेरा पीछा रहा दिखने जाओ। ओके सर, ओके सर, थैंक सर। सर क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्र दिवस के अवसर पे? नमस्ते, मैं अखिलेश कुमार चौधरी, मैं पूरे देशवासियों को और मेरे भारतवासियों को आज का इस स्वतंत्र दिवस, 75वां स्वतंत्र दिवस जो बड़ी धूमधाम से पूरे भारत मनाया जा रहा है, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन जो देश में जो हमारे शहीद भाइयों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे हमारे आदर्शों ने, जिसे हम आदर्श कहते हैं, सभी लोगों ने जो त्याग और बलिदान आज दिया, आज इसी का आज है कि हम हर साल धूमधाम से उनकी याद में पूरे भारत में स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। मैं सभी को, पूरे भारतवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। सर आज जो बुक बांट रहे सर, इसके बारे में बताइए, इतना अच्छा कार्य कर रहे जो। ये कार्य हम हर साल पूरे भारत में, आज जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग और मानव सेवा फाउंडेशन रजत जनगण ट्रस्ट, मैं इसका चेयरमैन हूँ मानव सेवा फाउंडेशन का, रजत ट्रस्ट का। तो मैं ये कहूँगा कि हम हर साल इस तरह कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। इसके पिछले वर्ष मैंने बहुत बड़ा कैंप लगाया था, और इस बार मैं आज पूरे हमारे मुंबई में 5 जगहों पर 10,000 बुक्स हम लोग बांट रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर अभी आज गोरेगांव में आज अभी करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने कल रात को पुणे भेजा है, और इसके बाद में पनवेल और भाईंदर और विरार, ये जितने हमारे वहाँ के जिला अधिकारी हैं, सभी लोगों ने वहाँ पर 2,000 बुक्स बांटने का उन्होंने पूरा उन्होंने उठाया हुआ है, और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इस तरह हमारा जो अबाउट मेडिकल हो, एजुकेशनल हो, सारी चीज़ें हम लोग हर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सर इतना अच्छा कार्य करने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिलता है सर? देखो, प्रेरणा कैसा होता है कि हम मानवाधिकार आयोग, हर इंसान में जो मानवता है, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के इंसानियत को देखकर हमें लगता है कि पूरे समाज में और हमारे देश के लिए और हमारे देश के बच्चों के लिए करना चाहिए, इसलिए हम करते हैं। सर आपकी संस्था के बारे में बताइए, और आपकी संस्था क्या क्या हेल्प करती है?
मेरी संस्था जो राष्ट्रीय मानवाधिकार समझने आयोग है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब राय जी हैं, मैं इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ प्लस महासचिव हूँ मैं। तो ये पूरे भारत में हमारे 22 लाख के ऊपर मेंबर हैं, ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में हमारे लोग काम करते हैं। आज पूरे स्टेट में वहाँ पर सभी लोग मना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मेहताब राय जी आज मुंबई में उनका आगमन हुआ है और बस उनके हाथों से झंडा वंदन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ओके, तो दिवस के अवसर पे आज सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग इतनी बारिश में भी और आज अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी कड़ी मेहनत के साथ हर जगह पहुँच रहे हैं, और मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आज हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम के साथ, पर इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने देश के उस वीर जवानों को देना चाहती हूँ जिन्होंने अपने जान की जान का बलिदान देकर हमारे देश को ये आज़ादी दिलाई, और हमारे देश के बॉर्डर पे जो आज जवान खड़े हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और रात दिन खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते हैं, पहले तो मैं उन्हें एक यहाँ से नमन करती हूँ। और इस कोरोना के दौर में हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस अधिकारी और हमारे सोशल वर्कर, हमारे मीडिया कर्मी, जिन्होंने इस बहुत बोलेंगे देश के लिए, हमारे क्या पूरे विश्व के लिए बहुत बुरा दौर चल रहा है, और जिन्होंने बहुत जी जान लगा के हमारे इस देश के लिए और इस देश को ऊपर लाने के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगी और नमन करती हूँ सभी को कि ऐसे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे वीर जवान जो सैनिक है देश के बॉर्डर पे, सोशल वर्कर और हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग की पूरे देश में जो हमारी टीम है, उन सभी को जिन्होंने मिलके हमारे इस बुरे दौर में हमारी जनता के लिए, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र में भी जो लोग हैं, हमारे नागरिकों के लिए बहुत सेवा किया है, और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको कैसे थैंक्स बोलूँ या उनको धन्यवाद बोलूँ। और रही बात हमारी संस्था की, तो ये आज कई सालों से मैं बोलूँगी कि ये हमारे लिए एक सेवा, ये तो आज हम बहुत छोटा सा कर रहे हैं कोरोना के दौर में, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे हम सामाजिक स्तर पे बुक्स बांटना और भी कई तरह की सेवाएं होती हैं मेडिकल तौर पे, बच्चों के शिक्षा के लिए तो हम ज़्यादा ही करते हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो गरीब सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर हम पहुँचते हैं, अनाथ आश्रम में वहाँ पहुँचते हैं, और मेडिकल के तौर पे छोटे छोटे बच्चों के जो ऑपरेशन होते हैं हार्ट के, उसमें हम ज़्यादा तो नहीं कर पाते पर जो भी उनका खर्च होता है उसका 25% हम यहाँ से हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो हमारे संस्था के तौर से हम राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय के इस प्लेटफॉर्म से मैं करती हूँ। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहताब राय जी को और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे अखिलेश चौधरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, और मेहताब राय जी को खास करके क्योंकि इन्होंने ये संस्था बनाई, जिस संस्था से पर डे, मैं हर एक दिन बोलती हूँ, हर पूरे देश में हजारों लोगों की मदद होती है। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं उनको भी नमन करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी संस्था बनाई और उस संस्था से इतने लोगों की मदद होती है। और आज मेरे गोरेगांव वेस्ट में आर्य रोड पे सुमित सोसाइटी में जो हमारा आज यहाँ पे झंडा बंधन रखा गया है, और हमारे जो भी मेंबर्स यहाँ पे जमा हैं, जो भी दिल से सेवा कर रहे हैं, काफ़ी रात तक यहाँ पे थे और भी कर रहे हैं, और भी पूरे मुंबई में जगह जगह कर रहे हैं, उनकी उनका मेहनत देखने के बाद कहीं ना कहीं मैं हज़ार गुना मेरे अंदर और भी मैं मोटिवेटेड हुई कि मेरे लोग इतना करें तो मुझे उनसे हज़ार गुना ज़्यादा करना चाहिए, और ख़ास करके मेरी महिलाओं की टीम। अब इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मेरे और भी मेंबर्स हैं और वो भी दो शब्द बोलना चाहेंगे तो उसका भी इंटरव्यू आप ले लीजिए सेक्रेटरी। और आज हमारे स्वतंत्रता दिवस पे आज हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए पूरे देशवासियों को और यहाँ उपस्थित मेरे भाई बहनों और माता पिताओं को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस अवसर पे सबसे पहले मैं उन वीरों को आज नमन करना चाहूँगी जिनके वजह से आज हम ये स्वतंत्रता दिवस यहाँ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहूँगी अपने देश के उन वीर जवानों को जो आज भी बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश के लिए आभारी रक्षा कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को देना चाहूँगी, उन किसानों को देना चाहूँगी, उन पुलिस अधिकारियों को देना चाहूँगी जिन्होंने इस कोरोना के दौर में
हमारे लिए जी जान से मेहनत की है। हमारी उस सरकार को भी देना चाहूँगी जिन्होंने इस बुरे वक्त में हमारे लिए वैक्सीन से लेके कई सुविधाएं उपलब्ध की हैं जो हमारे तक पहुँचे या न पहुँचे, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज ये जो बच्चे उपस्थित हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे, ये हमारे आने वाले देश का भविष्य है और हमें अगर किसी को बढ़ाना है तो हमें इन बच्चों को आगे बढ़ाना है और इनकी जो मानसिकता है उन्हें इस तरह से बनाना है कि आगे चल के ये समाज में हमारे देश को आगे ले जाएं। हमारे एक के एक घर से अगर एक बच्चा निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारा देश हजार गुना आगे बढ़ता है। तो आज ये बच्चों को हमें उस तरह से मोटिवेट करना है कि हमें किस तरह समाज में हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए और जहां हम रहते हैं उस सोसाइटी के लिए हमें कैसा काम करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि आज कोरोना के दौर में बच्चों का ख्याल रखिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखिए और खुद का भी रखिए, हमारी सोसाइटी का और हमारे समाज का। इन सभी का ध्यान रखते हुए समाज में एक अच्छा काम करिए और हर इंसान, हर व्यक्ति यहाँ पे एक सोशल वर्कर है, क्योंकि आज इस दौर में अगर हम सोशल वर्कर नहीं बनेंगे समाज सेवक तो कहीं ना कहीं हमें एक देश को हर घर से एक सोशल वर्कर की ज़रूरत है। तो समाज सेवक बन के, एक अच्छे नागरिक बन के इस जो बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं तो पूरे देश में हर किसी का योगदान होना चाहिए। पर एक बार एक जय घोष के साथ यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगी, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आप बताइए। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान वासी को यह खबर मिलेगी, संदेश मिलेगी और मैं अपने हिंदुस्तान के सैन्य बल को नमन करता हूँ जिसके वजह से आज हम लोग चैन पूर्वक हैं। और मैं अपने हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाई दूंगा 75वें स्वतंत्र दिवस की। और हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार न्याय आयोग को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके माध्यम से हम लोग देश सेवा में हैं। और मैं राष्ट्रीय रजत महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री दिनेश चौधरी जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके आशीर्वाद से हम समाज सेवा भी करते हैं, अपने प्रदेश स्तर पर प्रदेश संगठन मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार न्याय आयोग से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और उससे भी बड़ा गर्व है कि हम एक सेवाधारी हैं। हम अपने हिंदुस्तान के सभी सैन्य बल को नमन करता हूं। आज उनकी वजह से हम लोग चैन की नींद सोते हैं, अपने शिक्षा को ग्रहण करते हैं, स्वाभिमान से हैं। तो इनका सबसे बड़ा, सबका श्रद्धेय हमारे सैन्य बल को जाता है और हमारे उन वीर जवानों को जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनको मैं आजीवन नमन करता रहता हूं और आजीवन नमन करता हूं। नहीं जाएंगे आज की स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी तमाम देशवासियों को, साथ ही मानव अधिकार की जो भी टीम के यहाँ लोग उपस्थित हैं, इन सब को ढेर सारी शुभकामनाएँ बताए। जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग 10,000 के आसपास जो टोपी वगैरह बुलाया गया है, बांटा गया है, एक तरह से आज़ादी का जो जश्न है उसमें अच्छा। सर और ये बुक के बारे में क्या हो रहा है, कैसे कहना कि सबसे खुशी का जो माहौल है आज के दिन। वैसे तो विगत 2 साल से आप कोरोना की वजह से आप देख ही रहे हैं किस तरह का माहौल है, तो थोड़ा सा लोगों को, बच्चे लोगों को भी लगे कि हाँ सब 15 अगस्त के ऊपर हो गए। पहले आपने देखा होगा स्कूल में मिठाई वगैरह मिलता था, तो स्कूल बंद है, यहाँ से करके बच्चे लोग के बीच में खुशी बांटा है। और संस्था के बारे में, संस्था क्या क्या करती है आपकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग पूरा भारत में लगभग 26 लाख मेंबर है इसके और पूरा भारत में ऐसे लोगों को जागरूक करने का, मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने का, उन्हें सचेत करने का, मानवाधिकार क्या है और क्या काम करते हैं, ये सारा चीज करते हैं। ब्लड डोनेशन से कैंप से लेके तो विभिन्न तरह के जो भी सामाजिक कार्य है वो हमारी संस्था करती है। आज मध्य मुंबई में बहुत बढ़िया ये लोग काम कर रहे हैं, अगले जी के और छाया जी के नेतृत्व में बाकी और लोग टीम के लोग हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो संस्था का जो सिद्धांत है, जो रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ओके सर।